छत्तीसगढ़ में कल नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी। इस बार ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से मतदान होगा। आपका वोट खराब ना हो इसकी जानकारी दी जा रही है। नोडल अधिकारी एस के पटले आपको ये बताएंगे कि कैसे आप वोट करें। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी संदीप ने, देखिए। कल सुबह 8 बजे से नगरीय निकाय के लिए मतदान होने हैं, लेकिन इस बार ईवीएम के बजाय मतपेटी और बैलेट पेपर से मतदान होंगे। उसमें आपको बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमारे साथ के एस पटले जी हैं, नोडल अधिकारी प्रशिक्षण है। सर, क्या व्यवस्था रहेगी, बताएं कैसे वोट डालेंगे लोग? कल जो मतदान होना है वो मतपेटी और मतपत्र के माध्यम से होना है, और इसलिए 2009 के बाद जो है अभी इसका उपयोग पुनः किया जा रहा है। तो ज़रूरी है कि हमारे जो मतदाता भाई हैं उनको जो है मतपत्र उनको कैसे प्राप्त होगा और किस प्रकार से उनको वोट डालना है, इसकी एक बहुत सरल प्रक्रिया है। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 जो है उनको एक मुड़ा हुआ जो है मतपत्र मिलेगा। वास्तव में ये मुड़ा कैसे गया है ये थोड़ा देखिएगा। ये छोटा मतपत्र है जिसको बीच से एक खड़ा मोड़ लिया गया है, वर्टिकल है ये, और दूसरा मतपत्र ये है। मतपेटी या प्रकोष्ठ में जाएगा, जाने के बाद उसको मतपत्र खोलना है। इसको इंक पैड मिला हुआ रहेगा, इसमें कोई भी अपने पसंद के प्रत्याशी को यहाँ वोट देना है। इस समय ये ध्यान रखना है कि ये जो चिन्ह लगा है, यहाँ देख रहे हैं आप दो लकीर, यहाँ आड़ी लकीर दिख रही हैं, इस लकीर के ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ बीच में आ गया जैसे ही, तो ये जो है रद्द हो जाएगा। वोट डालने के बाद इसको पुनः इसको मोड़ना होगा जैसा उसको मुड़ा हुआ मिला था, दाएं से बाएं मोड़। दाएं से बाएं मोड़ दें। मोड़ने के बाद इसको फिर एक खड़ा मोड़ था एक आड़ा मोड़ करें, और ये जो मुड़ा हुआ है इसको मत पेटी में इस प्रकार से डालना है। यदि प्रत्याशी की संख्या 9 से ज़्यादा है तो उसके लिए उसको बड़ा मतपत्र मिलेगा, वो इस प्रकार का होगा। इसमें चिन्ह कैसे लगाएं, मोड़े कैसे? इसका तरीका बता रहा हूँ कि जो हमारा मतदान अधिकारी क्रमांक 2 है ये इसको इस प्रकार से एक मोड़ेगा, दूसरा मोड़ ये लेगा और तीसरा मोड़ ये होगा। ये तीनों मोड़ जो है खड़े हैं और चौथा मोड़ जो है ये आड़े में मिलेगा। यह कागज लेकर मतदान प्रकोष्ठ में मतदाता जाएगा। मतदान प्रकोष्ठ में जाने के बाद यह इसको पुनः खोलेगा। जब खोलेगा तो जो ये आड़ा मोड़ था ये सीधा हो जाएगा कागज। इसके बाद यह बीच का एक मोड़ इसको सीधा कर लिया, ये दाहिने तरफ के जो मतपत्र है इनको सीधा कर लिया, इधर आप देख रहे थे इसको भी इसने सीधा कर लिया। अब यहाँ चूंकि यहाँ प्रत्याशियों की संख्या ज़्यादा है और ये दो लाइन में है, तो जब दो लाइन में है तो यहाँ पर प्रत्याशी को उनको यहाँ के भी सभी देखना चाहिए, इधर भी देखना चाहिए, दाहिने तरफ भी, बाएं तरफ के सभी प्रत्याशी और दाहिने तरफ के सभी प्रत्याशी, और लास्ट में यहाँ पर होता है नोटा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इनमें से जो भी प्रत्याशी उसको पसंद हो उनमें से किसी एक प्रत्याशी को उसको वोट करना है। अब वोट करने की प्रक्रिया क्या होगी, आपको ये स्टैम्प पैड मिलेगा। इस स्टैम्प पैड में मान लीजिए इसको यह प्रत्याशी पसंद है तो यह वोट करेगा। ऐसा एक जगह इन्होंने वोट कर दिया, वोट करने के बाद जैसा उसको मिला था ये मोड़ दिया अपना, ये बाईं तरफ से मोड़ दिया, दूसरा मोड़ खड़ा है, ये पहला मोड़ था, ये तीसरा खड़ा मोड़, और चौथा मोड़ जो है ये आड़ा होगा। यह मोड़ होने के बाद इसको मत पेटी में यह इसको डाल देगा। इसके बाद ये जो सील है इस सील को जो है जिस अधिकारी से उनने प्राप्त किया था उस अधिकारी को इसको वापस भी करना है। तो आपने देखा कि ये मतदान की प्रक्रिया है, बहुत सावधानी बरतनी है, उस पर अपने मनपसंद प्रत्याशी पर ठप्पा लगाइए, कुछ देर रुकिए, इंक को सूखने दीजिए, दाएं से बाएं मोड़िए ताकि नीचे वो ना छपे, आपका वोट खारिज ना हो। तो बहुत सावधानी से वोट करिए और अपने जो आपका अधिकार है और कर्तव्य भी है उसका पालन कीजिए, घर से निकलिए, वोट कीजिए। कैमरामैन संजीव सुन्ना के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।